India's number one solar company and number one in monopanel manufacturing, providing 24/7 electricity for the next 25 years. Still a definite reduction in electricity bill. This is Loom Solar, which reduces carbon emission by 55,000 tons and making the planet a better place to live. लूम सोलर एक स्टार्टअप है जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी। मैं और आमोद ने दोनों मिलकर कंपनी स्टार्ट किया था। 2021 में कंपनी को 3 साल हो गए हैं। लूम सोलर एक D2C कंपनी है, यानी कि जिन लोगों को घर में सोलर लगाना है हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंडिया में जो पावर सेक्टर है काफ़ी बड़ा है और करीबन 125 करोड़ लोग रहते हैं और 30 से 35 करोड़ घर होंगे इंडिया में। हर घर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक बेसिक नेसेसिटी है। आज के दिन में जो इंडियन कंज्यूमर है 2 प्रॉब्लम से कुछ झेल रहा है। पहला, या तो आपके घर में पावर रिलायबल नहीं आती, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का पावर कट है, या फिर वोल्टेज नहीं आता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या फिर स्टेट कैपिटल में रहते हैं तो आपके AC का बिल बहुत आता है क्योंकि पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लूम सोलर क्योंकि एक D2C कंपनी है, उन प्रॉब्लम्स को जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आता है उनका बिजली का बिल कम करती है, और जिनके घर में लाइट प्रॉपर नहीं आता है, यानी कि आपके घर में वोल्टेज नहीं आ रहा, 3-4 घंटे का पावर कट है, तो वहाँ पे हम लोग सोलर लगाते हैं। इससे होता क्या है कि आप 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में ले सकते हैं बाय पुटिंग सम सोलर पैनल्स ऑन द रूफटॉप। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं, यानी कि डे और नाइट अपना सोलर से बिजली चला सकते हैं। एज ए स्टार्टअप 3 सालों की जो हमने जर्नी कंप्लीट करी है उसमें करीबन 50,000 घरों में हमने सोलर लगाए हैं। इसके अलावा इतने घरों में सोलर लगाने के लिए हमने बहुत सारे छोटे और बड़े मझौले एंटरप्रेन्योर्स जोड़े हैं। आज के दिन में लूम सोलर के साथ करीबन 3,500 छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लूम सोलर की टीम करीबन 100 लोगों की है, 500 लोग आउटसाइडर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, इतने लोग हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर आप दूसरे टर्म्स में देखें कि हमने पर्यावरण के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए क्या किया है, तो हमने करीबन 55,000 टन कार्बन एमिशन कम किए हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने करीबन 1,00,000 पेड़ इंडिया में लगाए हैं। हमने इतना सारा काम पर्यावरण के लिए किया है। लूम सोलर एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन फोकस ही सोलर बिजनेस है, जिसका कोई अल्टरनेट बिजनेस नहीं है, यानी कि सारा टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि लोगों के घर में सोलर कैसे लगा जा सकता है, एक जो होम ओनर है या कंज्यूमर है उसकी क्या प्रॉब्लम है, इसके लिए हम बहुत सारा काम अवेयरनेस पे करते हैं। पिछले 3 सालों में लूम सोलर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट किए हैं जो कंज्यूमर की रियल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जो कि बाकी ब्रांड्स ने नहीं किया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया जो कि कम लाइट और क्लाउडी वेदर में काम करता है। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपकी जो जनरेशन है वो ज़्यादा होगी। 2021 में हमने एक ऐसा सोलर पैनल बनाया जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइड से पावर जनरेट करता है, यानी लोगों के घर के छत पे स्पेस तो कम है और उनको पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, साथ में अगले 5 साल 10 साल 15 साल में उनकी जो पावर कंजम्पशन की नीड है वो भी बढ़ती जाएगी, जबकि जो उनके छत का स्पेस है वो लिमिटेड रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा पैनल बनाया जो कि कम जगह में ज़्यादा पावर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसे बाईफेसल पैनल बोला जाता है, जो इंडस्ट्री में सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। When we started, before that we had done some research, and then in the research we came to know that majority of the solar park which is installed in the India is by the large company. So if a individual homeowner has to install this solar system, there was no choice. There was no company who were supporting to individual homeowners.
So with this mind, we started our company and currently we are manufacturing this solar panel in our Sonipat factory. And we are helping to end user to provide a solar system in the range of 1 kilowatt to 100 kilowatt. सबसे पहला जो हमारे को अवार्ड मिला था 2020 में अमेजोन संभव अवार्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग एसएमबी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. उसके बाद रिसेंट में हमारे को नितिन करकरी जी उन्होंने हमारे को एनर्जी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था. यंग एंटरप्रेनर अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सो देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटी. आप हमारे साथ एक बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने शहर में एज ए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ सकते हैं. अगर आपको इंस्टॉलेशन में इंटरेस्ट है तो आप इंस्टॉलेशन का काम कर सकते हैं. अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं और आप चाहते हैं कि आप सर्विस का काम करें तो आप सर्विस का काम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी कर सकते हैं. सो हमारा जो 2025 का विजन है कि बी अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो कहीं पे भी, जो कोई भी कस्टमर, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन इंडिया में हो, चाहे वो हिल स्टेशन पे हो, किसी भी अपने कोने में हो, अगर वो उसको सोलर खरीदना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीदना है, अगर उनको सर्विस चाहिए तो हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो नज़दीकी स्टोर में अवेलेबल हो. डार्विन का एक सपना है कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स करीब 40 लाख नए पीढ़ी के युवकों को नौकरी दे. Market pioneer, unique strategy, 28 states, 20 plus sectors, banking, pharma, IT, finance, health, clear vision, 100% commitment, best delivery in every constituency. डार्विन एक सोच है, डार्विन एक सपना है, हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन श्री अजय हरिनाथ सिंह का एक सपना है कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स करीब 40 लाख नई पीढ़ी के युवकों को नौकरी दे विथ मिनिमम सैलरी ऑफ 20,000 रुपीज पर मंथ. हिंदुस्तान में डार्विन एक ही कंपनी होगा शायद जो कोविड के 2 साल में एक रुपया भी किसी का डिडक्शन नहीं किया. ऑन द कॉन्ट्ररी, डार्विन ने 34,000 लोगों को नौकरी दिया. हमारे रिटेल स्टोर्स है फूड एंड ग्रॉसरी में, अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, फिटनेस एंड हेल्थ सेंटर्स भी लॉन्च कर रहे हैं. ऑनलाइन में भी हमारी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है. वी हैव मूव्ड इनटू रिफाइनरीज, इंजन ऑयल हम लोग अभी लॉन्च किए हैं. वी आर गेटिंग इनटू ब्रेक ऑयल, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. अदर बिजनेसेस जो है वो इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, मल्टीमीडिया है, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स है, पावर एंड एनर्जी है, माइनिंग है, एयरलाइंस है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए देश या नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करने के लिए, वो है डिफेंस. वी आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड ऑफरिंग टू द वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया. आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है, उसको इज्जत देते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. As we look in Indian pharmaceutical sector, India is one of the growing nations, and currently India is contributing around 20% of the world's economy.
in pharmaceutical industry globally. When we talk about Darwin in pharmaceutical industry, Darwin is purely into third-party manufacturing, and third-party manufacturing as in we have our own nutraceuticals, we have our own sanitizers, we have our own masks, we have our own supplementary products, and currently we have forayed into DP retail and few FMCG products also, through which we are entering into global joint ventures in pharmaceutical industries around 11 countries in which we have presence. The near future is API, active pharmaceutical ingredients, and core manufacturing also. So we are looking into both the parts, active pharmaceutical ingredients as well as core manufacturing itself. So core manufacturing basically not only of the generic medicines, but along with we might promote the holistic approach of the medicines, the Ayurvedic medicines, as well as the homeopathic medicines. Darwin Platform group of companies have an insurance sector as well in the name of Capon Insurance Marketing Firm, which is attached to six of its co-partners, to life, to non-life, and to general. As we look at the banking sector, RBI has made banking sector quite easy and helped the banking sector to grow in India. And even Darwin is looking at the banking sector to grow well, and its banking sector towards a commercial bank or a small finance bank. We are looking forward to it. Darwin Platform Group of Companies का ध्येय है राष्ट्र निर्माण. राष्ट्र निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आवश्यक चीज़ है. जिस तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से देश की तरक्की होती है. हम लोग एज अ ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. लवासा लिया है हमने. लवासा को हम दोबारा जीवंत करेंगे. लवासा एक बहुत ही उच्च तकनीक से बनाया सोचा गया शहर था. इसको वास्तविक धरातल पर लाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे. और इसके साथ ही साथ हम लोग डिफेंस सेक्टर में भी, हमने यूपेडा में डिफेंस कॉरिडोर में ज़मीन ली है, जिसके लिए जहाँ पे हम नैनो टेक्नोलॉजी ऑटो से निर्मित वेस्ट जैकेट्स बनाने का काम और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम और डिफेंस एमआरओ का काम करने जा रहे हैं. डार्विन के साथ एज ए एम्प्लॉयड डायरेक्टली करीबन 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, और तकरीबन 20,000 से 25,000 लोगों को इनडायरेक्ट वे में, जैसे कि छोटे फुटकर मजदूर हो गए या कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो गए या अदर मोड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस हिसाब से तकरीबन 15,000 से 20,000 और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. हमारे चेयरमैन श्री अजय हरिनाथ सिंह जी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, चैम्पियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला. टुडेज़ ग्रुप की वजह तरफ से भी कई अवार्ड हुए, तथा कई अन्य समाज में मनोनीत जो अवार्ड्स हैं वो मिले. विथ एयर सील वी आर कमिंग विद अ न्यू टेक्नोलॉजी. वी विल ट्रैप ऑल द एयरबॉर्न डस्ट एंड वी प्रोवाइड 100% clean environment. Zero ash leakages. 900 operational days, no ash accumulated. Efficient installation, reduced load on ID fan, flexible ceiling for any shape or size, less coal consumption, maintenance in shorter duration.
इंडियन पावर सेक्टर इंडस्ट्री इज़ प्राइमरी प्रीडोमिनेंटली वर्किंग इन थर्मल पावर प्लांट्स. सो दी देर वॉज अ पिक्युलर प्रॉब्लम ऑफ ऐश लीकेजेस इन टू दी ड्यूरिंग द ऑपरेशन विच कॉजेज हैवी ऐश एक्युमुलेशन ऑन द बॉयलर पेंट हाउस. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस ऐश प्लस इट वॉज कॉजिंग अ वेरी मच प्रॉब्लम इन टू द एफिशियंसी ऑफ द ऑपरेशन. AirSeal Technology LLP was incorporated in 2016 to address the issue of this ash leakages and air exits into the boiler. AirSeal system has been used in a lot of the thermopower plants in India. NTPC, all the NTPC plants are being continuously using this solution over the years. Mahagenco, Tamil Nadu State Electricity Board, Gujarat State Electricity Board, Haryana CLP, Vedanta, GSW are continuously using our products over the years. We have completely automated manufacturing system for their products. The products are being manufactured under controlled chemistry where each and every raw material are being charged with automated control systems. AirSeal Technology now decided to go into the solar systems also. We have excellent manufacturing setup and stamping system for solar mechanical structures which are used for the solar tracking system. Additionally, the AirSeal is now developing products for duct linings, also to go into the complete solution for solar systems. We have additional developed products for gratings and laser cutting system. The power sector was a challenging sector during the COVID. All the power energy was continuous to be supplied. So there was during the COVID, there was very challenging situation to address these ceiling products. We have to send a manpower. We have taken utmost care of our manpower travels with providing them individual transport systems and taking care of their individual health, which has helped us to achieve zero COVID positivity during the operations of the installation of the AirSeal. In AirSeal, we offer customized spillage management and emission control solutions, especially in core industries like power, steel and cement. Our systems are basically used for collection and recycling of spillages, whether it is in the production area or in a finished product area. We collect raw material spillages, finished product spillages and recycle it back into the conveyors or bucket elevators or into the pit, or we discharge it back into the silos. We offer customized solutions for spillage management. Our systems are mobile and fixed, and our systems are also being used for collection of ash. We offer this mechanized vacuum system for collection of spillages of ash with the help of a mechanized system which is environmentally controlled with less fatigue, with minimum manpower. Our systems can offer solution with a capacity from 1 ton per hour collection rate up to 40 tons per hour collection rate. So you can imagine, this system can collect 100 to 120 tons of ash in a day's time. We conduct site surveys at the customer place, understand the need and the requirement of the customers, and based on that we design the system and provide solutions. So we address the entire issue of spillages and emission control in the plant. Our future plan is to address the issues in terms of emission control. Like in these industries, lot of emission happen because of the movement of the material from one place to another. With AirSeal, we are coming with a new technology wherein this technology is affordable, it
which is compact. It can be taken from one place to another. Where with this, we will trap all the airborne dust which is being generated while transferring our material from one place to another. And we provide 100% clean environment and clean air, wherein there is no pollution. And we are confident of addressing the issues in the current industry.